चल गया है। लगता है ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट था ये। सब तहस नहस हो गया। Oh no. क्या हुआ? तुम मारे गए? मैं यहाँ पहुंचने में बहुत देर हो गई। लेकिन सर, मीता और साकेत को मारेगा कौन? वह इंसान खड़ी जिसने निहारिका को मारने की कोशिश की। और हम लोग तो सोच रहे थे कि ये दोनों निहारिका को मारने की कोशिश कर रहे। गलत सोच रहे थे हम लोग। इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और ही है। इतना बड़ा ब्लास्ट। एक काम करते हैं, बाहर जो लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं। चलो। एसीपी सर, यहाँ पे इस घर में जो लोग रहते थे, मीता और साकेत, उनके बारे में कुछ जानते हैं? कुछ बता सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं सर, कुछ मैंने पहले ही वो लोग आते हैं यहाँ रहने के लिए। ना वो लोग कभी किसी से बात करते थे और ना ही किसी से घुलते मिलते थे। हाँ बस कभी कभार आते जाते दिख गए तो दिख गए। अच्छा, उनसे मिलने अक्सर कोई आता था क्या? नहीं सर। आपने कभी किसी को देखा यहाँ आते हुए उनसे मिलने के लिए? नहीं साहब, मैंने भी कभी कुछ नहीं देखा। हटिए, एक मिनट। क्या हुआ? सर, एसीपी सर की घड़ी। ये एसीपी साहब की घड़ी है? हाँ सर, ये घड़ी मैंने एसीपी सर को उनके जन्मदिन पे गिफ्ट दी थी। इस पे तो खून लगा हुआ है। हे भगवान, कहीं एसीपी साहब को एसीपी साहब की घड़ी खून लगा हुआ है। तो एसीपी सर गए कहाँ? ये पकड़ो आप अंगज। सर जल्दी से बंगले के पीछे आइए। बंगले के पीछे? हाँ सर। चलो। आप अंगज, क्या हुआ? सर एसीपी सर की गाड़ी सर। और ये देखिए, गाड़ी में मोबाइल ही पड़ा हुआ है उनका। मोबाइल? अंदर घर में उनकी घड़ी मिली, खून से सनी, और अब ये गाड़ी और मोबाइल फोन यहाँ। एसीपी सर को कुछ हो तो नहीं गया? को एक बार फिर से चेक करते हैं। चलो। सवाल के कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। खुशी इस बात की है कि एसीपी साहब यहाँ पे नहीं है, मगर परेशानी की बात यह है कि वो आखिर गए तो गए कहाँ? वो जहाँ भी है, उम्मीद करते हैं कि सही सलामत है। पर सर, अगर वो यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने हमें खबर क्यों नहीं की? कोई ना कोई खास वजह रही होगी पूर्वी। सर, इसका मतलब एसीपी सर साकेत और मीता को जानते थे? अब ये तो वही बता सकते हैं। यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। पूर्वी, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। तब तक मैं इस काविन को इन्फॉर्म करता हूं कि वो चौका ना रहे। निहारिका की जान को खतरा है। यस सर, मैं समझ गया सर। क्या एसीपी सर तो ठीक है ना? सर, उनके बारे में जैसे ही पता चले प्लीज मुझे बताइएगा। यस सर। क्या हुआ? हम सबको यहां से निकलना होगा फौरन। मगर हुआ क्या है? मीता और साकेत मारे गए। What? कैसे? उनके घर पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट? इससे पहले कि यहाँ कुछ ऐसा हो, हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी सुरक्षित जगह पे। Let's leave. चलो भाई चलो, इंदिरा मार्ग पर बम ब्लास्ट हुआ है। चलो चलो जल्दी करो चलो। Bomb blast? Cool. Habe cool. मैडम, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्होंने ब्राउन कलर के जूते पहने थे और ब्लू कलर की शर्ट, ऊपर एक जैकेट भी था। कहाँ गए? सब जगह देख लिया, सब जगह पूछ लिया, मगर किसी ने भी नहीं देखा एसीपी साहब को। सर, यहाँ तक कि चाय वाला और भाजी वाले तक को फोटो दिखा दी। अब बची सिर्फ ये एक गली, यहाँ भी देख लेते। चलो देखते हैं। सर, कहीं घर खाली तो नहीं? मगर मुझे लगा कि अभी अभी मैंने यहाँ किसी को देखा। सर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हो सकता है। थोड़ी जरा हटना। क्या बता बेटा, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? सॉरी अंकल, मैं बाथरूम गया था। हाँ, आपके अलावा घर में कोई और भी है? नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हो क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बेटा, हम एक अंकल को ढूंढ रहे हैं। वो जख्मी हालत में है, उन्हें चोट लगी है। तुमने देखा है उन्हें? कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है। बेटा, अब थोड़ा पानी पिला दोगे? हाँ प्लीज। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है सर, गड़बड़ लग तो नहीं रही है। बम ब्लास्ट की आवाज से शायद घबरा गया बच्चा। आपको भी चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे नाम क्या आपका? बंटी। बंटी, बंटी बेटा दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? थैंक यू। वो गुंडे वापस आ गए। काका, काका, अच्छा आप आ गए। मुझे ना आपको कुछ कहना है। बेटा अर्जेंट काम से बाहर जाना है, बाद में बात करते हैं। पर काका मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी है। बाद में बात करेंगे ना बेटा। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। आपको पता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें? बेटा बॉम्ब ब्लास्ट में तुम बाहर तो नहीं निकले ना, घर पर ही थे ना? हाँ। ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। काका बहुत जरूरी है, मेरी बात तो सुन रहा है एक बार। बोला ना बेटा, जब वापिस आऊंगा तब बात करते हैं। काका उधर, काका मेरी बात सुनो, तुम्हें एक बार तो बात सुनो मेरी। बेटा वापिस आऊंगा, आराम से बात करेंगे, ठीक है? बहुत डर लग रहा है कहीं वो मुझे अपने इरादों में सफल ना हो जाए। देखो निहारिका, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। CID के रहते आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको एक ऐसी महफूज जगह ले जा रहे हैं जहां आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे गाड़ी चला रही हैं? अभी गाड़ी के नीचे जाती तो बाइक हटाइए अपने यहाँ से। तुम लड़की हो, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। केतन जाओ, बचाओ उनको जाके। सर वो तो भाग गई। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक। हमें सबसे पहले इन्हें एक महफूज जगह पे लेके जाना होगा जहां वो अपराधी इन पे दोबारा हमला ना कर सके। चलिए आओ। पानी पानी पानी। हाँ अभी ला, एक मिनट। अंकल पानी। इस वक्त कौन हो सकता है? देखता हूं। कोई तो था यहां पर, कहां गया? मुझे इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। जब से यहाँ पर आई हूँ एक के बाद एक हमले हो रहे हैं मुझ पर। पता नहीं मैं ठीक ठाक लंदन पहुंचूंगी भी या नहीं। निहारिका, निहारिका संभालो अपने आप को, सब ठीक है। पानी पीजिए। निहारिका जी यकीन मानिए कि अब आप सीआईडी की एक बहुत ही सुरक्षित जगह पे हैं और यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कावन भी तो है। मैं यहीं पे हूँ, आप लोग बेफिक्र रहिए। तुम ठीक हो? यस सर, मामूली खरोच है सर। सर मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता वरना मेरे हाथ से बचती नहीं। सर एक और खास बात, वो लड़की मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, माहिर। आपने उस लड़की का चेहरा देखा था? कोई जान पहचान की थी वो? नहीं सर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सर कहीं निहारिका पे हमला पैसों की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता श्रेया, शायद ये वही आदमी जिसने साकेत और मीता को मारा। हेलो, हाँ गुड, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत से बात करने के बाद एसीपी साहब को किसी अभय नाम के आदमी का फोन आया था और शायद उससे मिलने भी गए थे वो, और वहां से वो गए मीता और साकेत के घर। करेक्ट। तो अभी अभय बता सकता है कि एसीपी साहब वहां गए तो गए क्यों। सर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? निखिल, कुछ साल पहले मैंने एक अपराधी को पकड़ा जो क्रिमिनल्स को मार्शल आर्ट सिखाता है। हो सकता है शायद उससे कुछ सुराग मिल जाए। क्या बात है गुलशन, मुझे पहचान नहीं रहे हो या फिर देख के अनदेखा कर रहे हो? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ सचिन साहब, 3 साल पहले आप ही की वजह से तो जेल गया था। ये तो अच्छी बात है ना, जेल से छूटने के बाद तुम एक मूर्तिकार बन गए हो, पहले एक अपराधी थे तुम। हाँ तो आप लोग यहाँ क्या मूर्तियाँ खरीदने आए? अरे नहीं नहीं, हम लोग तुमसे मदद मांगने के लिए आए। हमें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लड़ती है, जैसे तुम लड़ा करते थे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा? हाँ क्योंकि अब तुम सुधर चुके हो और एक अच्छे नागरिक का फर्ज बनता है कि वो कानून की मदद करे। देखिए सचिन साहब, जब से मैं जेल से छूटा हूँ पिछली जिंदगी को मैं भुला चुका हूँ और मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। फिर भी गुलशन, तुम ऐसा कुछ तो जानते होगे जिससे हम आसानी से उस लड़की तक पहुँच सके। मुझे लड़ने का गुर तारा नाम के एक आदमी ने सिखाया था। अगर वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह लड़ती है तो उसको भी तारा जी ने ही सिखाया होगा। तो हमें तारा जी के पास ले चलोगे? इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा है? चलो फिर चलिए। तुम कौन हो बेटा? अंकल मैं बंटी, आपको बोबला सा चोट लग गई थी तो मैं आपको अपने घर ले आया। बंटी तुम मुझे यहाँ अपने घर ले आए? हाँ। ये सब जख्म भी तुमने साफ किया? हाँ अंकल। थैंक यू बेटा। इसमें थैंक यू की क्या बात है अंकल? पानी पिलाओगे? हाँ अंकल अभी ला। और मैंने तो आपके लिए चाय भी बना के रखी है। चाय बनाई है मेरे लिए? अरे अंकल हंसो मत, आप मेरी चाय पियोगे ना एकदम फटफट ठीक हो जाओगे। अभी ला अंकल। संभालना गर्म है। कैसी है अंकल? बहुत अच्छी। बंटी चाय पीने के बाद तुम्हें वाकई फटाफट अच्छा हो गया ऐसे लग रहा है मुझे। इसे बताओ इतनी अच्छी चाय बनाने के लिए किसने सिखाया है? घर में और कौन कौन है? ये घर में सिर्फ काका और मैं ही रहते हैं। ये चाय बनाने में मुझे काका ने सिखाया। देखो बंटी तुमने मेरे लिए इतना सब किया, यहाँ ले आए, मेरे जख्म साफ किए। और एक काम करोगे? सिर्फ एक काम है, बहुत जरूरी काम है। मुझे एक फोन करना है। तुम्हारे पास फोन है घर में? फोन? नहीं अंकल फोन तो नहीं है। मोबाइल फोन है? नहीं। फिर तो मुझे बाहर जाके फोन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी फोन करना है मुझे बेटा, बहुत जरूरी। अंकल आप बाहर मत जाओ अंकल, आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी देर आराम कर लो। बट्टी बेटा मुझे बहुत जरूरी फोन करना है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अभी गया और अभी आया। हाँ मैं अभी जा। अंकल अंकल मैं बोल रहा हूँ बाहर मत जाओ, थोड़ी देर और आराम कर लो। अंकल आपकी तबीयत बहुत खराब है अंकल। बहुत जरूरी फोन करना है मुझे बंटी, समझा करो। अंकल आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बोलो ना आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी देर आराम करो। एक मिनट, घड़ी कहाँ गई? बंटी मुझे मैं बोल रहा नहीं जाओगे आप? ठीक है मेरे, चाय तो पी लो, इतनी बढ़िया चाय बनाई तुमने, मैं आराम करता हूँ। दरवाजा खुला हुआ है। सारा सामान बिखरा पड़ा है। हमारे आने से पहले यहाँ पे कोई आया था। देखो जरा अबे कहाँ है। सर माय गॉड, गोली मारी है सीने पे। सर समझ में नहीं आता लोगों को गन इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है। लाइसेंस तो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। वही तो, गन अगर सही हाथों में पड़ जाए तो लोगों की रक्षा करती है, और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो मासूमों का खून बहाता है। सर बिखरा हुआ सामान देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि खूनी और इनके बीच अच्छी खासी हाथापाई हुई है। हाथापाई नहीं लगती फ्रेडी, ये देख रहे हो अलमारी खुली है और ड्रॉर्स खुले हैं। कोई भी बड़ा फर्नीचर, चेयर मेज सब अपनी जगह पे है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। जमीन पे कागज हैं, किताबें हैं और फाइल्स। ऐसा लगता है कि खूनी यहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नक्शा, खजाना। खजाना? कैसा खजाना? ये देखो यहाँ पे लिखा है ट्रेजर, खजाना। सर कहीं ये खून इस खजाने की वजह से तो नहीं हुआ जिसका राज इस नक्शे में छुपा हुआ है? हो सकता है। कहाँ पे ये मटफोड़ मलाट? ये बीच के सामने घर, ये गलियां, मंदिर, दुकान। बीच के सामने घर, गलियां, मंदिर, दुकान। ये तो साकेत और मीता के घर का एड्रेस है। मतलब वो खजाना उनके घर के आसपास है। सर एसीपी सर भी तो वहीं गए थे। कहीं उनके जाने का मकसद ये खजाना तो नहीं? लेकिन एसीपी साहब ने कभी इस बारे में हम लोगों से जिक्र किया नहीं। पता लगाना पड़ेगा कि मीता और साकेत के घर के पास ये खजाना है कहाँ। बंटी अब बहुत आराम हो चुका है मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब जाके मैं फोन करता हूँ। अंकल नहीं अंकल, थोड़ी देर और बढ़ जाइए, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं अंकल, थोड़ी देर और। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, हल्की सी चक्कर तो आएगी ना। चलो मुझे बहुत जरूरी काम। थोड़ी देर अंकल, मैं थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर आप एकदम ठीक हो जाओगे अंकल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम्हें देखना है मैं कितना ठीक हूँ, तो चलो मेरे साथ। चलो बंटी बेटा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? काका, मैं आपको इनके बारे में बताना चाह रहा था। बॉम्ब ब्लास्ट में चोट लगी थी और मैंने यहाँ लेके आया। बंटी बेटा तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम्हें कहा था ना अनजान लोगों से बात मत करना, और तुम इसे उठा के घर में ले आए। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कुछ नहीं सुनना मुझे, बाहर निकलो अभी। बेटा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अनजान लोगों से बात करना कितना खतरनाक हो सकता है। सुना नहीं आपने? निकलिए अभी। देखिए मैं इसी काका उनकी तबीयत ठीक नहीं है काका, थोड़ी देर आप रुक जाओ काका। बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, निकलिए अभी। जाता हूं लेकिन बंटी पर चिल्लाइए मत। सर वैसे तो गुरुजी ये सब लोगों को उनकी आत्मरक्षा के लिए सिखाते थे, मगर क्योंकि मैंने अपनी ही कला का गलत इस्तेमाल किया, तब से गुरुजी ये सिर्फ बच्चों को ही गुर सिखाते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और उसके बाद ये पैर की उंगलियां आपने यहाँ फंसाई, उसके बाद लेफ्ट लेग की उंगली यहाँ फंसाओ, ठीक है? वेरी गुड, राइट, ब्यूटीफुल, शाबाश, यस, वेरी गुड, करते रहो बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ। सब लोग ठीक कर रहे हैं? यस सर। बहुत अच्छा, या वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुरुजी क्यों आए हो यहाँ? तुमसे कहा था ना जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाना। गुरुजी अब तो मुझे माफ कर दीजिए, अपने गुनाहों की सजा मैं जेल जाके भुगत चुका हूँ। जी हाँ, वाकई में गुलशन अब सुधर चुका है। वो आपके पास सिर्फ इसलिए आया है ताकि हमारी मदद कर सके। आप लोग? जी हम लोग सीआईडी से। तो सीआईडी को मेरी मदद चाहिए। जी हाँ। गुरुजी गुलशन को आपने जो लड़ने का गुर सिखाया था, क्या हाल फिलहाल में वही गुर आपने किसी लड़की को भी सिखाया था? हाँ, गुलशन को सिखाकर जो गलती मैंने की, अन्नू को सिखाकर भी ठीक वही गलती की थी। वो गलत राह पर चली गई। ये अनु हमें कहाँ मिलेगी? ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है बंटी बेटा, थैंक यू। देसी कट्टा ये तुम्हारे पास कैसे? तुमसे मतलब है मैं एसीपी प्रद्युमन हूं सीआईडी से। बताओ ये कट्टा क्यों रखते हो तुम? आप एसीपी प्रद्युमन है? हाँ। फिर तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मदद? तुम्हारी मदद? कैसी मदद? वो लोग आ गए। है कौन ये लोग और तुम इतने डरे हुए क्यों? साहब अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है साहब। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, समझे? चलो देखते हैं कौन है। प्लीज साहब आप बंटी को लेकर यहाँ से चले जाइए, ये आपके साथ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। बंटी की जान को क्यों खतरा है? क्या किया क्या तुमने? मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, समझे? आप क्या चाहते हैं हम दोनों की वजह से इस मासूम को कुछ हो? साहब प्लीज चले जाइए, वो बहुत ज्यादा लोग हैं और मेरे कट्टे में गोलियां भी कम है। प्लीज साहब, प्लीज साहब, मेरे बंटी को बचा लीजिए साहब, प्लीज बचा लीजिए। ठीक है। नहीं काका मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं काका मैं नहीं जाऊंगा। बंटी बेटा जिद नहीं करते, तुम्हारे काका जल्दी तुमसे मिलने आएंगे, तुम एसीपी साहब के साथ जाओ। नहीं काका। बंटी देखो बंटी मैं तुमसे वादा करता हूँ, पहले तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ूंगा और फिर तुम्हारे काका के पास आऊंगा, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चलो अपना ख्याल रखना। हाँ जी, आइए सर। साहब ये मोबाइल रख लीजिए, आपके काम आएगा। प्लीज सर। ये क्या बदतमीजी है? अब उनका बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो अब शुरू होगा। फिक्र मत कीजिए सर, मैं आ गई हूँ। बहुत शक्ति प्रदर्शन कर लिया तुमने। सब खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? इनको मार क्यों नहीं रहे हो? ये हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, सीआईडी वाले। मैं जानता था कि यही एक तरीका है इनके पास तुम्हें पहुंचाने का, इसीलिए मैंने ये अफवाह फैलाई कि मेरी जान खतरे में है। इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ? धोखा मैंने नहीं, तुमने किया है। तुमने शपथ ली थी कि अपनी कला का प्रदर्शन अपनी आत्मरक्षा के लिए करोगे। इतना ही नहीं, इसने अपनी कला का प्रदर्शन हमारे एक सीआईडी ऑफिसर के ऊपर किया है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है ना। रेडी, यहाँ से राइट में। बस 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 बस, यहाँ रुको। सर इस जगह पे तो हम पहले भी आ चुके हैं। सर ये नक्शे के हिसाब से तो खजाना इस घर में होना चाहिए, यहाँ। अरे इस घर में भी आए थे, यहाँ पे एक बच्चा था, बंटी। अच्छा, दरवाजा खुला है। My God. अरे सर, ये तो वही चाय वाला है जिसे हम मिले थे मीता और साकेत के घर के बाहर। इसको भी सीने पे गोली मारी है। बंटी कहाँ है सर? सर इसे मार दिया मतलब बंटी की जान को भी खतरा है। हाँ सर, बंटी यहाँ कहीं भी नहीं है। हो सकता है खूनी उसे अपने साथ लेके गया हो सकता है शीता। खजाना भी ले गया और बंटी को भी। शायद खजाने की वजह से इस आदमी की जान भी गई है। पूरा घर छान मारो, कुछ तो जरूर मिलेगा। एसीपी सर, सर एसीपी सर का जैकेट। एसीपी साहब क्या आप भी थे इस घर में? अगर तारा सर मुझे धोखा नहीं देते तो आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाते। धोखा तो तुमने दिया उन्हें, उनके दिए गए ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके। क्यों मारना चाहती थी निहारिका को तुम? मुझे पैसे दिए गए थे उसे मारने के लिए। किसने किसने दिए थे पैसे? आपको क्या लगता है कौन दे सकता है? पहले मत बुझाओ, किसने दिए थे? केतन, निहारिका का मंगेतर, उसने दिए थे पैसे मुझे उसे मारने के लिए। केतन तो निहारिका से शादी करने वाला है, वो क्यों मारेगा उसे? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। कविन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर निहारिका को फोन लगाओ। सर क्या उनकी जान को खतरा तो नहीं है? अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम सोच भी नहीं सकती किस मुसीबत में फंसने वाली हो तुम। सर निहारिका का फोन बंद आ रहा है। क्या क्या तुमने उन दोनों के साथ? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ आपके पास हूँ। अब जो भी करेगा वो केतन करेगा। केतन। कविन, निहारिका, कविन, निहारिका। सर फोन की घंटी बज रही। सर ये रिंग इस तरफ से है, फोन की आवाज तो यहाँ का। सर फोन कौन का फोन? सर कविन का। निहारिका, कविन, कविन नब्ज चल रही है, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। कविन, क्या हुआ क्या यहाँ पे? केतन और निहारिका कमरे में थे, मैं बाहर से चेक करके पानी पीने आया था। मैं लास्ट में पानी पिया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। पानी में कोई नशीली दवाई थी। पूरा निहारिका और केतन कहीं भी नहीं है। मतलब केतन ने काविन को बेहोश किया और निहारिका को अपने साथ ले गया। केतन बताओ ना क्या सरप्राइज प्लान किया? जाने मन अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज सरप्राइज कहा? प्लीज बताओ ना। ओ अच्छा एक बात बताओ, वो जो CID ऑफिसर है काविन, वो कहाँ है? बाय द वे हमें मना किया गया था कहीं पे भी अकेले जाने से। घबराओ मत, बस कुछ पलों फिर तुम्हारी जान को किसी से खतरा नहीं होगा। क्या मतलब? केतन, केतन प्लीज धीरे चलाओ। तुम जानते हो ना मुझे रैश ड्राइविंग से कितना डर लगता है। घबराओ मत, तुम्हारा यही डर तो निकालना है। केतन, केतन, केतन प्लीज, केतन। ओके निहारिका, अब वक्त है सरप्राइज का। तुमने बहुत साथ निभाया, काश अगले जन्म में भी तुम मेरी और मैं तुम्हें इसी तरह धोखा दूंगा। ये तो काविन की गाड़ी है। अभी भी नहीं टूटनी। बंटी एक काम कर बेटा, उस पेड़ के पीछे छुप जाना, मैं आता हूँ, जल्दी आऊंगा, घबराओ मत। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और CID ऑफिसर काविन की गाड़ी में क्या कर रहे थे? किसे हाथ दिखा रहे थे तुम? सर वो मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, इसलिए मैं कूद गया। गाड़ी के अंदर कौन था? कौन था गाड़ी के अंदर? सर काविन सर की गाड़ी। ड्राइविंग सीट पे तो कोई नहीं। माय गॉड निहारिका, पंखा संभाल के। गाड़ी का मापा कर जल्दी। सर एसीपी सर केतन के साथ। सर इसे मत छोड़ना सर, ये निहारिका को मारना चाहता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है सर, आप ठीक है। हाँ सर, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा सर, सर हमें तो लगा कि हम आपको खो बैठे सर। रोने जैसे कुछ नहीं हुआ है मुझे, समझे? ठीक ठाक हूँ मैं। इसके आगे लेना पड़ेगा, इसके आगे। एक मिनट इधर आना। सर हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा बदकिस्मत तो शायद ही कोई लड़की होगी जिसका मंगेतर ही उसे मारना चाहता। पंकज, निहारिका को लेके जा। आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं इस रास्ते पे हूँ? उस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए जो हमने काविन की कार में लगाया था। केतन जी, अब से तो तुम हमारे मेहमान बन गए। केतन जी को ब्यूरो ले चलो और देखना सचिन पेड़ी केतन जी की मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए। दो दिन से कहाँ छुप के बैठे थे सर, हमारी सबकी तो हालत। पूरी सीआईडी टीम फिट हो गई सर, आपके चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया सबने। वो तो दिख ही रहा है। मैंने बस आज सुबह ब्रेकफास्ट किया। चलो तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ अभिजीत, आ जाओ। बंटी, बंटी आओ बेटा। अभिजीत, ये बंटी है, बंटी, और ये है अभिजीत अंकल। अभिजीत मेरा नन्हा दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त, इसने मेरी जान बचाई। अभिजीत आज मैं तुम्हें मिल रहा हूँ वो इसकी बदौलत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। एसीपी साहब की जान बचा के तुमने सिर्फ सीआईडी पे एहसान नहीं किया है, पूरे देश पे एहसान किया। थैंक यू बेटा। अंकल, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मैं फटाफट ठीक हो गया हूँ तुम्हारी वजह से। बंटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। चॉकलेट। सही सर, शुरू कहाँ से हुआ? मीता और साकेत के पास आप पहुंचे कैसे? अभिजीत, अभय चाहता था कि मैं उसके दोस्त मीता और साकेत की मदद करूं किसी खजाने के सिलसिले में। प्रद्युमन, किसी की जान को खतरा है और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। एक मिनट, क्या हुआ है? किसकी जान को खतरा है? और देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सिर्फ मैं ही क्यों, पूरी सीआईडी टीम तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन पहले बताओ तो सही। सीआईडी नहीं, सिर्फ तुम। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को पता चले कि इस केस में सीआईडी लग गई है। किसकी जान को खतरा है? बताओ तो सही, क्या बात है? उनके पास खजाना है सर, खजाना। खजाना? अभी खजाना कहाँ से आ गया? और फिर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उस खजाने की फिक्र पड़ी है या उन लोगों की जिनकी जान को खतरा है? किसकी फिक्र पड़ी है तुम्हें? दोनों की। मगर मेरे जाने से पहले इन दोनों की मौत हो गई ब्लास्ट में। मतलब मीता और साकेत का निहारिका से संबंध एक एक संयोग है? हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मीता और साकेत इन दोनों ने निहारिका को नहीं मारा। वो दोनों तो सिर्फ खजाने की देखभाल करने वाले थे। इस खजाने तक हमें पहुंचना चाहिए अभिजीत, कुछ भी करके खजाने तक पहुंचना ही है हमें। यस सर, लेकिन साहब एक बुरी खबर है। क्या? बंटी का चाचा, उसकी मौत हो गई सर। क्या? पहले तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ूंगा और फिर तुम्हारे काका के पास आऊंगा, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चलो। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अभिजीत, मैंने वादा किया था बंटी से कि मैं उसके चाचा को कुछ नहीं होने दूंगा। बंटी को कैसे बताऊंगा मैं? बंटी की देखभाल हम लोग करेंगे सर, लेकिन पहले आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। सर, सिंह साहब की तबीयत कैसी है अभी? ठीक है, खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया है, कुछ टेस्ट बाकी हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। केतन ने चोंच खोली कि नहीं? सर, निहारिका जी के सामने तो इसकी जबान पे ताला नहीं लग रहा था, यहाँ पे जरा सी खातिरदारी की तो इसकी बत्ती गुल हो गई है। देखो मिस्टर केतन, ये मौन व्रत रखने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सर, अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारी सच्चाई तो आपके सामने आ चुकी है। नहीं, पूरी सच्चाई नहीं बताई। क्यों मानना चाहते थे निहारिका को तुम? सर, निहारिका मेरी मंगेतर ही नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर भी थी, और उसे मारने से सारा पैसा और सारा मुनाफा मुझे मिल जाता। अच्छा, तो उसे मारने के इरादे से यहाँ इंडिया लेकर आए, क्या लगा था तुम्हें यहाँ खून कर दोगे तो बच जाओगे? नहीं सर, मैं निहारिका की मौत का इल्जाम उन दुश्मनों पे लगाना चाहता था जिन्होंने उसके माँ बाप और मीता और साकेत को मारा था, लेकिन तीनों बार आपके इस ऑफिसर ने उसे बचा लिया। पहली बार बेडरूम पे, सीढ़ियों पे, और फिर अनु के हमले से भी। और वहाँ कॉफी शॉप में, वहाँ क्यों मारना चाहते थे तुम उसे? नहीं सर, वो हमला मैंने नहीं करवाया था, बल्कि जिससे गोली चली मैं तो वॉशरूम में था। क्या करने गए थे वॉशरूम में? हैं, करीना को फोन करने, ताकि वो निहारिका को फोन करे वो बाहर है और उसमें गोली चले? नहीं सर, मैं तो उस करीना को जानता भी नहीं, मैं तो वो क्या वॉशरूम में क्या सर, मैं ड्रग्स लेता हूँ। तुम ड्रग्स लेते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। काबिन, ये करीना के बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह सब सील करवा दिया ना? सब करा दिया सर। गुड, अब उसको घर आना पड़ेगा पैसों के चक्कर में, फिर पूछेंगे उससे वो निहारिका की दोस्त है या फिर केतन की। देखो बंटी, जब तक तुम्हारे काका वापस नहीं आ जाते तब तक कुछ दिनों के लिए तुम इस चाइल्ड केयर होम में रहोगे। यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, खेलना कूदना, खूब मस्ती करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम सब के नंबर्स तो हैं ही तुम्हारे पास, है ना? चलो अंदर जाके देखते हैं। श्रेया, अब बंटी ठीक है ना? अच्छा, चलो गुड। देखो, उससे जो चाहे देना, हाँ, जो चाहे देना, हाँ, खुश रखना उसे। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अच्छे से ख्याल रखना उसका। हाँ, ओके। सर, तो बंटी की परवरिश कौन करेगा? कविन, बंटी ने मेरी जान बचाई, जबकि मेरा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं था। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब बंटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं परवरिश करूंगा उसकी। देखिए, बंटी ये नहीं जानता कि उसके परिवार में कोई नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहेगा। उसकी देखभाल के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ उसका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं बाकी की फैसिलिटीज देखना चाहूँगी। जी जरूर, आइए मेरे साथ। एक मिनट, मैं अंदर जाके बाकी की फैसिलिटीज देख लेती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। ये तो मेरा खिलौना है। लगता है काका यहाँ पर आया है। सर, केतन का कहना है कि कॉफी शॉप वाले हमले में उसका कोई हाथ ही नहीं है और ना ही ये मानने को तैयार है कि मीता और साकेत की मौत से उसका कुछ लेना देना है। अभिजीत, केतन के बातों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो हम पता लगा ही लेंगे, मगर पहले वो करीना हमारे हाथ लगनी चाहिए, वो खजाना हमारे हाथ लगना चाहिए, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक बात का बड़ा दुख होता है अभिजीत, अपने दोस्त को बचा नहीं सका मैं, अभय को बचा नहीं सका, मगर एक बात तो पक्की है कि उसके खूनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। फांसी के फंदे पर लटका कर ही रहूंगा मैं, उसे लटका कर ही रहूंगा। खिलौना कहाँ गया? काका, अभी अब बंद करो लुका छुपा खेल, मुझे पता है आप यहीं कहीं हो। अरे बाप बंटी बेटा, तुमने तो अपने काका की चोरी पकड़ ली। चलो आ जाओ, तुम्हारे पसंदीदा खिलौने से खेलने का वक्त आ गया। काफी अच्छा है। चोट तो नहीं है बंटी? चलो चलो। आज के बाद मैं कभी खिलौने को खत्म नहीं रखूंगा, खिलौने से खेलूंगा भी नहीं। बंटी, ऐसा कभी मत कहना, बुरे खिलौने नहीं कुछ लोग होते हैं, डरना नहीं, हम तुम्हें सारे बुरे लोगों से बचाएंगे। दया, सर, छोटी इंटेंसिटी का बॉम्ब है ये, सिर्फ बंटी को मारने के लिए लगाया गया था उस खिलौने के अंदर। तो जिस किसी ने भी किया उसे मालूम था कि बंटी को खिलौना का शौक है, तो खिलौना देखते ही वो दौड़ा चला आएगा। और बंटी कह भी रहा था ना कि उसे अपने काका की आवाज आ गई, कुछ बुला रहा था काका, उसे कह रहा था। ये तो उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने उसके काका को मारा है। सर, श्रेया ने तो यहाँ किसी को नहीं देखा, इसका मतलब कोई दूर से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा है। सर, बाहर काफी लोगों से पूछताछ की है मैंने, सभी का यही कहना है कि बम फटने के वक्त ना कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया। ये कैसे हो सकता है इक्षिता, किसी ने तो देखा होगा। नहीं 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 नहीं, कोई ना कोई तो था, इस घर के बाहर था, इंतजार कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था बंटी कब उस खिलौने तक जाएगा और वो रिमोट का बटन दबा देगा। बंटी, अब कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ अंकल, पर अभी भी कान में घनघन घनघन हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर तक ये घनघन होती ही रहेगी। अरे बंटी तो हमारा बहादुर बच्चा है ना? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, बंटी को कोई मारने की कोशिश क्यों करेगा? लगता है सब कुछ उस खजाने के लिए ही हो रहा है। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि आखिर ये खजाना है क्या, हम इस केस की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। सर, हो सकता है उस खजाने के बारे में बंटी कुछ जानता हो। हो सकता है। बंटी बेटा, एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे काका ने किसी खजाने के बारे में कुछ बताया था तुम्हें? नहीं अंकल, और मुझे पता अब वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो वापस आने ही नहीं वाले, है ना? हाँ बेटा, वाकई तुम्हारे काका वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं। ये है ना तुम्हारा एसीपी अंकल। अच्छा बंटी बेटा, इस शहर में आपका कोई परिवार वाला या रिश्तेदार है? जब मैं बहुत छोटा था तब शायद कोई थे। थे? थे रिश्तेदार? कुछ याद आता है तुम्हें उनके बारे में? नहीं, ज्यादा तो नहीं। देखो जरा याद करके बेटा, देखो कुछ याद आता है क्या। अच्छा और कुछ याद आता है तो भी बताओ। एक बड़ा सा घर था जिसमें एक बड़ा सा गार्डन था और बाहर बहुत सारे कबूतर उड़ा करते थे। और हाँ, एक बड़ी सी घंटी भी थी जिसमें मैं एक आंटी से डर के छुप जाता था। आंटी? कौन आंटी? याद नहीं। याद करो। ये नहीं, शायद मेरी माँ होंगी। तुम्हारी माँ? हाँ अभिजीत, हाँ हाँ बंटी बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इंतजाम कर दिया? सर मुझे नहीं लगता करीना घर आने का खतरा उठाएगी। पूर्वी और कोई चारा भी नहीं है उसके पास। खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ना, आना ही पड़ेगा उसे। सर 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 सर, सर कहीं वो तो नहीं? लगता कहीं नहीं है, प्लीज पता क्या है? रुक जाओ, रुक, गोली मार दूंगी, रुक। बस बस करीना मैडम, इससे ज्यादा भागना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये तो करीना नहीं है। कौन है तू? मैं साहब, मैं मोना। मोना? तो करीना कहाँ है? कौन करीना? जिसके घर में तुम घुसी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसके घर में घुसी थी। तुम ऐसे ही किसी के घर में घुस जाती हो? साहब मैं गजरा बेचती, एक मेम साहब आई थी, 5000 रुपए दिए और कहा घर से कोई पाउच लेके आने के लिए। पाउच? हाँ, ये करीना अपने आप को सवा शेर समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सीआईडी वाले ऐसे कितने ही सवा शेरों को पिंजरे में बैठा चुके हैं। सर वो देखिए, वैसी की घंटी है जैसी बंटी ने बताई थी। हाँ श्रेया, देखते हैं। घंटी देख के तो ऐसे ही लगता है कि इसमें इतनी जगह है कि आराम से कोई छोटा बच्चा इसके अंदर छिप सकता है। मतलब बंटी हमें इसी घर के बारे में बता रहा था। हो सकता है गार्डन भी है, एक घंटी भी है, अंदर चल के देखते हैं। सर लगता है ये घर काफी सालों से बंद पड़ा है। सालों पुराने घर ही अपने अंदर न जाने कितने राज छिपा के रखते हैं श्रेया। ऐसे ही किसी राज की तलाश में आप देखते हैं क्या मिलता है। सर जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ श्रेया? सर ये देखिए इस घर के कागजात। ये घर निहारिका के पिता के नाम पे है। श्रेया हम तो यहाँ पे उस बच्चे बंटी के केस के लिए आए हैं, तो फिर ये निहारिका जी के माँ बाप के बारे में यहाँ पे? निहारिका और बंटी का केस आपस में जुड़ा तो नहीं है? हो सकता है। सर ये फोटो देखिए, यहाँ भी यही आदमी है और ये औरत यहाँ पे है, इसकी वाइफ। ओह, इसका मतलब यही निहारिका जी के माँ बाप हैं, यही दोनों। लेकिन इस तस्वीर में ये छोटा सा लड़का कौन है इनके साथ? शायद ये निहारिका का भाई हो। लेकिन निहारिका जी ने कभी बताया नहीं कि उनका कोई भाई या बहन है। से ये फोटो देखिए, निहारिका के पिता है, वही बच्चा है, मगर ये कोई दूसरी औरत है। हाँ श्रेया, इस दूसरी औरत का कोई नाम या फोटो नहीं है इन कागजातों में। इसका एक ही मतलब हो सकता है, कहीं ये औरत इस बच्चे की असली माँ तो नहीं? मतलब निहारिका के पिताजी ने 2-2 शादियां कर रखी थी। हो सकता है। ये देखा तुम लोगों ने, इस बच्चे के माथे पे निशान है, बिल्कुल ऐसा ही निशान तो बंटी के माथे पर भी है। मतलब ये बच्चा कोई और नहीं बंटी है, निहारिका का भाई। मतलब बंटी और निहारिका जी भाई बहन है, वो भी सौतेले। ये बात निहारिका ने हमें बताई क्यों नहीं? क्या मेरा एक भाई भी है? हाँ निहारिका, तुम्हारा सौतेला भाई बंटी। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है आपके पास कि ये मेरा भाई है? सबूत है हमारे पास, ये कुछ तस्वीरें हैं इसमें, देखिए। ये तो मेरे पापा है। हाँ निहारिका, तुम्हारे पापा आए भी। तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। पापा ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और माँ ने भी नहीं बताया। दीदी रो मत, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कोई दीदी है। लंदन चलोगे मेरे साथ? लंदन? उसके लिए तो हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा ना। हाँ हवाई जहाज में तो बैठना ही पड़ेगा, और तुम्हें हवाई जहाज में निहारिका दीदी बिठाएगी और जूम करके ले जाएगी लंदन। अच्छा निहारिका, हम तुम्हें फुल सिक्योरिटी में एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगे। हमारा सीआईडी ऑफिसर निखिल तुम्हारे साथ रहेगा। सर इतना टाइम हो गया, करीना अभी तक आई नहीं। वो मोगरे के फूल भी पड़े पड़े सड़ रहे। आएगी पंकज, आएगी। वैसे भी उसका पैसों से भरा बैग अब तक मुरझाया नहीं है। वो बात अलग है कि थोड़ा समय लगा रही है। सब हो रही। तुम देखो सीआईडी की आंखों में मिर्ची झोंकेगी। हाँ बेटे, लंदन जाके हमें भूल तो नहीं जाओगे? नहीं अंकल, ऐसे कैसे? आप आओगे ना लंदन मुझसे मिलने? अरे जरूर आऊंगा, अगर तुमने टिकट भेजी तो। और वो चॉकलेट वाले अंकल भी आएंगे ना? कौन चॉकलेट वाले अंकल? अरे अभिजीत की बात कर रहा है ये। हाँ हाँ वो भी आएंगे। सर हम लोग निकले, फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ निकलो। सर थैंक यू सो मच। अगर आप सीआईडी वाले लोग नहीं होते ना तो हम लोग लंदन सही सलामत बिल्कुल नहीं पहुंच रहे होते। ऐसे नहीं किया था, ये तो हमारा फर्ज था। निखिल ध्यान रखना। हाँ चल माना कि मुझसे गलती हुई, मगर मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सुधरने का, फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। खून किया है तुमने, गलती नहीं अपराध है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक ड्रग सप्लायर हूँ, और मुझे लगा आप उसी के लिए मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। झूठ मत बोलो तुम, निहारिका को मारने के लिए शार्प शूटर तुम ही ने भेजे ना? हा? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? लगता कोई एक्सीडेंट हो गया है। मैं बाहर देख के आता हूँ, जब तक मैं आऊँगा नहीं आप लोग बाहर मत आइएगा। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आपकी जान बचाएगी तो मेरी जान जाएगी। बंटी चलो, हमें ऐसे भागना होगा, चलो। भागो बंटी, भागो। चल रही सर। काविन, इशिता, निखिल को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। चलो उठाओ। मेरी दीदी को छोड़ दो, जाने दो मेरी दीदी को। दीदी की बहुत परवाह ना तुझे, अफसोस अभी दीदी से बिछड़ने का टाइम आ गया। बिछड़ने का टाइम तो तुम लोगों का आया है इस दुनिया से। जाओ। सर, थैंक यू सो मच। आप टाइम पे आ गए, आपने हमें बचा लिया, नहीं तो ये सब लोग तो हमें मार ही डालते। किस्मत तो तुमने कमाल की पाई है निहारिका, कमाल की किस्मत है तुम्हारी। देखो इतने सारे हमले हुए मगर निहारिका के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। वो तो आपके ऑफिसर काविन की वजह से। हाँ हाँ, हमारा ऑफिसर काविन तो है ही, लेकिन उन हमलों की वजह से भी जो तुमने अपने आप पर करवाए, क्यों? है ना? अब जब आप लोगों को पता चली गया है कि सबके पीछे मैं थी, तो यही सही। दीदी, दीदी आप क्या करो दीदी? दीदी नहीं, तेरी मौत। चुप रहो निहारिका, अब निकल नीचे करो। आगे बताना, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। कुछ नहीं करोगी तुम बंटी को। अब निकल, हमें दे दो। पीछे रहो। निहारिका हमारी बात मानो। मुझे जाने दो दीदी। ठीक है निहारिका, जाओ तुम, मगर एक बात ध्यान में रखना, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं करोगी तुम बंटी को। अंकल चल। घबराओ मत, घबराओ मत बंटी, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। एक मासूम बच्चे को अपनी ढाल बना रही थी, अब चखो सीआईडी का इनाम। हाँ, मैंने किया था वो सब, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एक सौतेला भाई भी है। माँ को भी नहीं पता था पापा की दूसरी शादी के बारे में, और जब उन्हें पता चला तब उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया। और बंटी की माँ ने तो मीता और साकेत के पास परिवार की आपसी लड़ाई में मेरे मम्मी पापा मर गए, और बंटी की माँ भी। और जब तुम्हें पता चला तुम्हारे पापा की जायदाद में कोई और भी एक हिस्सेदार है, तो तुम भागते भागते इंडिया चली आई, उस हिस्सेदार को अपने रास्ते से हटाने के। क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बंटी कहाँ है। उसकी वजह से ही मैंने मीता, साकेत और अभय पर नजर रखना शुरू की, और एक के बाद एक करके उन्हें अपने रास्ते से हटाती रही, सिर्फ बंटी तक पहुंचने के लिए। दीदी, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है दीदी। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे परिवार मिल गया। ये सब फिल्मी बातें हैं, असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। तुम्हारी सोच गलत है। असल जिंदगी में पैसे की चमक के आगे रिश्तों का मोल कई ज्यादा होता है। अगर आप सब लोगों को पता कैसे चला कि ये सब मैंने किया था? तुम्हारी दोस्त करीना के जरिए। करीना, मैं तो जानती भी नहीं थी कि निहारिका पे कोई हमला हुआ है। मैं तो खुद ड्रग्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में भागते भगाते खुद को छुपाते हुए फिर रही हूँ। तो 17 जून को कॉफी शॉप के इनॉग्रेशन के वक्त तुमने निहारिका को फोन क्यों किया? हा? उस दिन मैं कैफे जाके केतन को ड्रग्स देने वाली थी, और बस उसी के चक्कर में मैंने निहारिका को कॉल किया था टाइम वगैरह फिक्स करने के लिए। और मैंने उसे नहीं कहा था कैफे से बाहर आने के लिए। वो खुद बोली कि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बाहर आके बात करती हूँ। मुझे तो साफ साफ आवाज आ रही थी उसकी। कैफे में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये केतन पहले से ही जाके बाथरूम में बैठा ताकि वहाँ ड्रग्स ले सके। लेकिन अगर करीना ड्रग्स देने के लिए आने वाली थी तो ये बात केतन हमें जरूर पता था। हाँ सर, इसका मतलब निहारिका अपनी मर्जी से बाहर आया, और वो जो करीना वाला फोन कॉल है उसने हमें गुमराह करने के लिए किया। सर फिर तो जरूर निहारिका ने यह हमला अपने आप पर करवाया होगा। और नहीं तो क्या, वरना दो शार्प शूटर दोनों का निशाना एक साथ चूक जाए, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर आप लोग उस करीना तक ना पहुंचते ना तो मैं कभी पकड़ी नहीं जाती। गलत, एकदम गलत। आज तक कोई भी मुजरिम सीआईडी के शिकंजे से भाग नहीं पाया, समझी? अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी तो होकर ही रहेगी तुम्हें। ले जाओ इसे श्रेया। चलो। अरे बंटी बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अंकल मेरे काका भी नहीं रहे और दीदी भी मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैं किसके साथ रहूंगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा अंकल? हम है ना, मैं हूं, दया अंकल है, अभिजीत अंकल है, काविन अंकल है, श्रेया आंटी, कुरिया आंटी, सब लोग हैं। ये क्या तुम अकेले थोड़ी हो? हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम्हारी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक शर्त है, मेरे लिए रोज चाय बनवा कर पिलानी पड़ेगी। मेरे को बनाओगे? एक गुड मॉर्निंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.